अनन्याश्चित माम ये जना पर्युपास तेषां योगक्षेम योगक्षेमं हम प्रिय दर्शकों नमस्कार एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर के आया हूँ अनफा योग इसी तरीके का एक और योग मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था जिसका नाम सनफा योग था आज के कार्यक्रम में अनफा योग के बारे में करेंगे चर्चा कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा और प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए कि कार्यक्रम कैसा लगा आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा बिल्कुल मुद्दे पे लेके आता हूं और सीधे चर्चा करते हैं अपने विषय की विषय अनफा योग को लेकर के है अर्थात इसी तरीके का एक और योग मैंने आपको कुछ दिन पहले पूर्व में बताया था मैंने निवेदन किया था सनफा योग को लेकर के वो चंद्रमा से ही देखा जाता था कि जन्म कुंडली में वो कैसे बनता है और इसमें भी चंद्रमा को ही देख करके आगे बढ़ना है कि आखिर चंद्रमा से कैसे इस योग को देखना है योग दुर्योग अगर आपकी कुंडली में उपस्थित है तो वो हमेशा प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं तो इसे देखना कैसे है आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो और किसी भी राशि की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लग्न क्या है और आपकी राशि क्या है बस ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे कहाँ हैं सिंपली आप अपने जन्म कुंडली में लग्न चार्ट को निकालिए वहां पे देख लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है मतलब वो कौन से भाव में बैठे हैं और जहाँ भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ से जस्ट पिछले भाव में यानी कि इसके बारहवें भाव में जिस भी भाव का बारहवा हो ना, या जिस भी ग्रह का बारहवाँ कहा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसके एक घर पीछे चले जाइए वही उसका बारहवा होता है तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हों उसका बारहवा उसका जस्ट एक पीछे इसको गिन के देखिए तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये बारहवा भाव हुआ बस अब देखने वाली बात यहीं से लागू होती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं उसके जस्ट पिछले भाव में सूर्य को छोड़ करके बस याद यही रखना है कि उनके पीछे ग्रहों के राजा जगत के चक्षु जगत के पालक सूर्य न बैठे हों अगर सूर्य के अतिरिक्त राहु और केतु के अतिरिक्त कोई भी ग्रह बैठा हो तो यही अनफा योग होता है और इसमें जन्मे जातक कैसे होंगे तो अब ये निर्भर करेगा कि आपके चंद्रमा के पीछे कौन सा ग्रह बैठा है जैसे अगर मान लीजिए मंगल बैठे हों क्योंकि सूर्य को तो बैठना नहीं है अगर सूर्य बैठ जाएंगे तो ये योग खत्म हो जाएगा फिर ये अनफा योग नहीं बना रहेगा तो मंगल अगर बैठेंगे तो व्यक्ति पराक्रम से और अपने पराक्रम के बदौलत जीवन में प्रत्येक प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है अगर बुद्ध बैठ जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान सुंदर और राजकुमार के सदृश जीवन जीने वाला होता है उसके जीवन में कभी कोई तकलीफ आती ही नहीं है और आती भी है तो उसे व्यक्ति यूं ही झेल लेता है कोई ना कोई ऐसा सत्पुरुष उसे मिल जाता है जो उसके उस समस्या से निकालने में उसकी मदद कर देता है अगर बात गुरु की हो जाए तो व्यक्ति यशस्वी हो जाता है और धनाढ़ वर्ग से जाने वाला हो जाता है धनाढ़ वर्ग में प, मतलब अपनी स्थिति बनाने वाला होता है अगर चंद्रमा के जस्ट पीछे गुरु बैठ जाए तो व्यक्ति सुंदर हो जाता है और भद्र पुरुष की तरह शोभामान उसकी प्रकृति होती है समाज में उच्च पद को और प्रतिष्ठा को पाने वाला तीव्र धार्मिक होता है और लोगों का सम्मान करना और कराना जानता है ये गुरु की बात हुई अगर आपकी कुंडली में इस अनफा योग के निर्माण में चंद्रमा के जस्ट पीछे शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति बड़ा सुंदर हो जाता है और मुस्कान ऐसी कि कोई भी देख ले तो मन ही मोह लेता है और फिर व्यक्ति इतना ज्यादा भोगी भी हो जाता है कि कई बार व्यक्ति तीव्र भोगी हो जाता है विपरीत के प्रति आकर्षण का भाव बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है तो इसे थोड़ा संभल करके और बचा करके रखना चाहिए और बात जब शनि की आ जाए तो व्यक्ति के मन को वो मजबूत बना देते हैं अब ऐसी स्थिति में कि अगर शनि वक्री हुए और कहीं से भी उनका प्रभाव अगले या पिछले भाव का हुआ या फिर अगर वो अगले और पिछले भाव को प्रभावित कर रहे हों तो यहाँ पे इस चंद्रमा को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे लेकिन अगर वो डिग्री के हिसाब से बिल्कुल युवा या कुमार अवस्था में हैं तो फिर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है बस याद ये रखना है कि उसके अगले भाव में जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे पीछे शनि बैठ गए और अगले ही भाव में राहू अगर ये स्थिति बनेगी तब थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि आगे भी पापक और पीछे भी पापक तब यह स्थिति कमजोर हो जाएगी लेकिन ऐसा न हो और सिर्फ शनि बैठे हो और मजबूत होकर के बैठे हो श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हो तो यह फल अच्छा देने वाले हो जाते हैं यह बात यहीं तक खत्म मतलब अनफा योग एक योग होता है और यह श्रेष्ठ योग होता है कई बार होता है हम इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि अपने मन की भावना को और मन में उठने वाले उद्गार को सामने वाले के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते हैं छोड़ो ना ऐसा कौन करता है ये ऐसा सोच के हम कई बार अपने मन की तीव्र भावना को कमजोर करके उसे दबा देते हैं यूं ही ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या पता जो आपके सामने से निकल के गया हो वो वापस हालांकि ऐसा ना हो इस वजह से हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए मन में सोची हुई बात को जरूर ही बता देना चाहिए अगर वो परस्पर प्रेम को बढ़ाने वाली हो तो आइए अब आपको अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परास तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम कहने का मतलब है कि परमात्मा स्वयं भगवान यही कहते हैं कि जिसने मेरा ही वर्ण किया हो योगों के द्वारा मुझे ही पाने का प्रयास किया हो और पाने के बाद वो मुझ में ही लीन होने का प्रयास करता हो योग मतलब परमात्मा को पाने की लालसा परमात्मा को पाने की तीव्रता परमात्मा को पाने का किया गया प्रयास और छेम मतलब उसके दुख और तकलीफ उसका सारा योग और क्षेम मैं खुद वहन करता हूं जब मुझे वो निरंतर याद और निर्बाध गति से याद करता है तो हम भूल जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या याद करने लगते हैं कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे आज के लिए बस इतना ही कल एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए नमस्कार